ये शक्तिपात है। शक्तिपात शब्द मुझे लगता है कि आप सब समझते ही होंगे। जब यहाँ जहाँ ये आज्ञा चक्र पे गुरु दबाते हैं तो शक्तिपात होता है, आशीर्वाद दिया जाता है, शक्तिपात होता है। क्यों कहते हैं ये? तो श्लोक है, कुंडलिन्याम विवर्जितम। साइलेंट में डाले नहीं तो मैं यहाँ भाषण बंद कर दूंगी। भाषण भी नहीं है, मेरे विचार है, अनुशासन की बात में कर देती है। कुंडलिन्याम विवर्जित शिवम अपि शवम याति। शिव भी ईकार, जो कुंडलिनी का सिंबल है, संकेत है, उसके बिना शिव भी शव हो जाता। बहुत बड़ी बात है, हमारे पुरखे कह गए, हमें समझ नहीं है, क्योंकि हमें समझाया नहीं है। बिना शक्ति के शिव शव के समान हैं। और आज आपके दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये बता दिया है कि देयर इज ओनली एनर्जी, देयर इज नो मैटर। एनर्जी के अलग अलग लेवल डिग्रीज हैं, जहां ज्यादा है वहां आपको दिखता है, जहां कम है लेवल इज डाउन, यू डू नॉट फील इट, बट इट्स ऑल एनर्जी। बहुत बड़ी बात कह रही है, इसमें कोई जेंडर ना समझिए, ये मैन, ये वुमन, ये मेल या फीमेल ना। और यही गलती हम कर बैठते हैं बार बार बारंबार। इंटरनेशनल विमेंस डे, ये भारत का विचार नहीं है, ये विचार पश्चिम से आया है। जर्मनी की दो महिलाओं ने शुरू किया और यूनाइटेड नेशंस ने इसको ठप्पा दे दिया। ये हमारा विचार नहीं है, बल्कि मैंने तो राज्यसभा में उठ के कहा भी था, जिसपे पुरुषों ने बहुत तालियां बजाई, देयर शुड बी अ इंटरनेशनल मेंस डे आल्सो। यदि हम महिलाओं की, नारी की, स्त्री की बात करते हैं सशक्तिकरण की, तो पुरुष को भी उतनी ही आवश्यकता है सशक्तिकरण की, क्योंकि नारी का बल जो ज्यादा प्रकट नहीं करती है, 9 महीना गर्भ में रख के उस भारी भरकम शरीर को लेकर गृहिणी का घर का काम करके, या यदि जॉब करिए तो जॉब करके, दिन प्रतिदिन दिन रात उस बच्चे को उस गर्भ में संभालते हुए 9 महीने के बाद प्रसव पीड़ा से पार होते हुए वो एक नए जीवन को जन्म देती। इतनी पीड़ा शायद कोई पुरुष झेल सके। इसलिए नारी का संयम, नारी का आत्मबल, नारी की शक्ति और उसका भावना बहुत ही अलग है। इसीलिए मैंने जब कहा इंटरनेशनल मेंस डे होना चाहिए, कि जब पुरुष इकट्ठे होकर अपनी कहानी सुनाएं, अपने विचार रखें, नारी के प्रति, स्त्री के प्रति